हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अंकित वर्मा और आप देख रहे हैं लेक्चर 9 ऑन मेट्रोलॉजी। इस लेक्चर में हम पुराने साल गेट में आए हुए न्यूमेरिकल्स करेंगे, जो कि टॉपिक रहेगा हमारा ऑप्टिकल फ्लैट्स। सबसे पहले मैं कुछ ऐसे कंसेप्ट बताऊंगा जो न्यूमेरिकल्स में काम आएंगे। थ्योरी में मैं अब तक काफ़ी कुछ ऑप्टिकल फ्लैट्स के बारे में बता चुका था, एप्लीकेशन कैसे 11th की फिजिक्स का हमने यूज़ करते हुए, ऑप्टिक्स का यूज़ करते करते हमने इंटरफेरोमेट्री का यूज़ करते हुए हमने ऑप्टिकल फ्लैट्स को पढ़ा था, क्या इसकी एप्लीकेशंस थी। पिछले लेक्चर हमने कवर अप किया था जो लेक्चर 8 था। इस लेक्चर में हम न्यूमेरिकल्स करेंगे मेनली, बट उससे पहले थोड़ा सा मैं डिटेल में आपको बता दूं। देखिए, थोड़ा सा मान लेते हैं ये कोई सरफेस था। बहुत अच्छा एग्जांपल है समझने के लिए, ठीक है। और ये मान लेते हैं कोई ऑप्टिकल फ्लैट है, और ये जो सरफेस है इस तरीके से है। ये दो सरफेस हैं, ये ऑप्टिकल फ्लैट है मान लेते हैं, और ये वर्क पीस है जिसको हमें चेक करना है, इसकी फ्लैटनेस। देखो इसमें क्या कंसेप्ट है समझने का। मान लेते हैं कोई भी मोनोक्रोमेटिक लाइट ए इस पे पड़ी, ठीक है। जैसे मैंने बताया था कुछ रे रिफ्रैक्ट होगी, ठीक है। कुछ रे तो यहां पर मान लेते हैं यहीं से रिफ्लेक्ट हो जाएगी, और कुछ क्या करेगी, इसके अंदर से ट्रांसमिट होके ऐसे रिफ्लेक्ट होगी, ये मैं बता चुका हूं। तो इसको दिस लेंथ प्लस दिस लेंथ, उसको हम क्या बोलते हैं, पाथ लेंथ बोल दो टोटल लेंथ को, या बोल दो पाथ लेंथ डिफरेंस, ठीक है। और जैसे मैंने बताया था, अगर ये रिफ्लेक्टेड रेज जो हैं, ये दोनों रेज एक फेज में हैं, एक ही फेज में हैं, तो क्या होगा, ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेगी, ये दोनों रेज हैं, ठीक है। बहुत अच्छा एग्जांपल है समझने के लिए। अगर ये रेज आउट ऑफ फेज है तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। तो उन दोनों केस में जैसे मैंने आपको बताया था, पाथ लेंथ डिफरेंस, पाथ डिफरेंस बोल दो डायरेक्ट, ठीक है, डेल्टा से डिनोट करते हैं। अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है तो इवन मल्टीपल है लैम्डा बाय टू का, इवन मल्टीपल, ओके। और अगर वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है तो लैम्डा बाय टू का ऑड मल्टीपल है, क्लियर है। और जैसे मैंने बताया, अगर ये दूसरी रे मान लें, वो भी इस तरीके से, एक रे तो यहीं से चली जाएगी, एक यहां से जाएगी, एक तो इस सरफेस से ही रिफ्लेक्ट हो जाएगी, एक इस वाले सरफेस से रिफ्लेक्ट होगी। अगर ये आउट, ये बी मान लेते हैं, अगर ये आउट ऑफ फेज होगी तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। और मान लेते हैं यहां पर क्या है, ब्राइट स्पॉट बन रहा है और यहां पर डार्क बन रहा है, और क्या चीज है, जो डिस्टेंस है हमारा ब्राइट फ्रिंज का और डार्क फ्रिंज का, क्या इंडिकेट करता है, ये मैं आपको बता ही चुका हूं। चेंज इन क्या होता है, वो डिस्टेंस, ये लिख लो आप साथ साथ पॉइंट, अभी काम आएगा ये। और सबसे इंपॉर्टेंट जो फॉर्मूला बेस भी है, जो सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल्स में काम आ सकता है, जो आजकल टेस्ट सीरीज में पूछा रहा, यही है। क्या है, डिस्टेंस बिटवीन डार्क एंड ब्राइट। डार्क यहां पर मान लेते हैं ब्राइट हो रहा है और यहां पर डार्क हो रहा है, तो इनके बीच का जो डिस्टेंस है क्या इंडिकेट करता है, चेंज इन पाथ लेंथ, क्या, चेंज इन पाथ लेंथ ऑफ लैम्डा बाय टू, ठीक है। ये क्या करेगा, चेंज इन पाथ लेंथ ऑफ लैम्डा बाय टू, ये जो डिस्टेंस रिप्रेजेंट करता है। तो अगर हम इस विड्थ की बात करें, किसकी, जो इनके विड्थ ऑफ द गैप है, वो क्या हो जाएगी, वो क्या हो जाएगी, ये क्या है, एक तरह से लैम्डा बाय टू का है, और हमें किसके बीच में निकालनी है, ये विड्थ क्या होगी हमारी, इसके और इसके बीच का डिफरेंस, ठीक है। ये क्या होगी, अगर आप ये विड्थ देखें, ये ऐसे है, ये ऐसे, थोड़ा समझना पड़ेगा इसमें, ठीक है। देखो ब्राइट जो हमें डिस्टेंस दिया है,
वो कितना है? ब्राइट और डार्क। अब देखो सबसे ज्यादा कंसेप्चुअल चीज क्या है जो मैंने ये स्टार्टिंग में आपको बताया है, इसीलिए थ्योरी बताई है। देखो जब ब्राइट फ्रिंज बनती है, ब्राइट फ्रिंज, तो डी की वैल्यू क्या होती है उसके अंदर? एन लैम्डा बाय टू, ठीक है, और ब्राइट के लिए मान लेते हैं। और डार्क के लिए डी की वैल्यू क्या होती है? टू एन माइनस वन अपॉन टू लैम्डा। ऑड मल्टीपल बन जाएगा ये, इवन मल्टीपल बन जाएगा, ठीक है। मान लेते हैं एन इक्वल्स टू वन के लिए, या एन इक्वल्स टू टू के लिए मान लेते हैं, यहां पर भी एन इक्वल्स टू टू रखिए, ठीक है। तो वो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा एन इक्वल्स टू टू पे? लैम्डा हो जाएगा, और यहां पर एन इक्वल्स टू थ्री लैम्डा बाय टू हो जाएगा, ठीक है। तो एन इक्वल्स टू टू के लिए ये, ब्राइट के लिए क्या हो जाएगा डी? ब्राइट के लिए क्या हो जाएगा? टू रखेंगे जब आप इसको एन इक्वल्स टू टू को, टू लैम्डा अपॉन टू हो जाएगा, ओके। तो ये क्या है, यहां पर लैम्डा बाय टू है। अब क्या हमें क्या निकालना है, इसकी विड्थ में कितना चेंज आया, किसमें? इसकी विड्थ में कितना चेंज आया, ये चीज समझने की है। इसमें विड्थ क्या है? विड्थ ऑफ द गैप, विड्थ ऑफ द गैप इंपॉर्टेंट। विड्थ ऑफ द गैप क्या है? जो इसके पाथ डिफरेंस में चेंज आया ये निकला हमने, और जो इसके पाथ डिफरेंस में चेंज आया, दोनों को अगर डिफरेंस हम कर दें, इसका डिफरेंस और इसका डिफरेंस, तो इस विड्थ में यहां से और यहां तक जाते हुए कितना चेंज आया वो हम निकाल देंगे। विड्थ का गैप है, देख लो ये थोड़ा सा डिस्टेंस ज्यादा है, ये थोड़ा सा कम है, तो यहां से यहां आते हुए इस विड्थ में कितना चेंज आया, मान लेते हैं एन इक्वल्स टू कितने पे? वन पे देख लेते हैं। एन इक्वल्स टू वन पे ये लैम्डा बाय टू हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? एन लैम्डा बाय फोर हो जाएगा एन इक्वल्स टू वन पे, ठीक है। इन दोनों का डिफरेंस क्या आ जाएगा? लैम्डा फाइव लैम्डा बाय फोर, यानी कि विड्थ कितना चेंज होएगा? लैम्डा बाय, आप कुछ भी लेके देखना, दो लेके देखना, इसमें इसमें भी दो लेके देखना, तब भी लैम्डा बाय फोर ही आएगा डिफरेंस। तो वो क्या चीज है, विड्थ में कितना चेंज आया है, ठीक है। तो ब्राइट और डार्क की जब हमने पार्ट डिफरेंस को हमने माइनस किया, पार्ट डिफरेंस को माइनस किया, इसको ऐसे भी समझ सकते हैं यार, ये ऐसे है, ये ऐसे है, ठीक है। यहां से यहां पर थे हम अभी, सपोज करो अगर हमें यहां का ये वाला डिस्टेंस निकालना है तो क्या होगा, चेंज कितना आया, ये एक्स चेंज आया। तो हमने क्या करा, इसके पाथ डिफरेंस में अगर हम ये वाला पाथ डिफरेंस घटाए तो एक्स आ जाएगा ना। इस कंसेप्ट पे काफी न्यूमेरिकल्स हैं, जैसे कि डायरेक्ट मैं आपको बता दे रहा हूं, वो पूछता है जैसे इंटरफेरोमीटर में डेप्थ चेंज इन डेप्थ ऑफ ग्रूव, डेप्थ चेंज, ठीक है। इस तरह से सेम वो एक ही बात है, विड्थ पूछता है डेप्थ पूछता है, ठीक है। वो तो ये सेम ही कंसेप्ट उसमें लगता है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन मैकेनिकल में तो नहीं आए, लेकिन पीआई ब्रांच में आए हैं, तो मैकेनिकल में भी ऐसा जरूरी नहीं कि आ नहीं सकते, ठीक है। तो ग्रूव डेप्थ पूछता है वो क्वेश्चन में, मैंने देखा है एक आधा क्वेश्चन इसमें, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या होता है ना कि आपको एन की वैल्यू दे देगा कि भाई पांच फ्रिंज बन रही है, ठीक है, इस तरह से दे देगा, और लैम्डा की वैल्यू दे देगा, ठीक है। तो ये जो विड्थ आई है खाली एक ही के लिए तो आई है, अगर टोटल नंबर ऑफ फ्रिंज वो दे देगा तो आपको क्या करना होगा, एन से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। तो पांच लैम्डा बाय फोर, तो वो चेंज इन विड्थ आ जाएगा, या ग्रूव, ये जो ग्रूव की डेप्थ में कितना चेंज आया वो आ जाएगा, ठीक है। देखो एक्चुअली में जो विड्थ में चेंज आया ना वो इस तरह से आया होगा, विड्थ में जो चेंज आया होगा, ग्रूव का क्या मतलब है, जैसे ये कुछ चेंज आया, ये वाला डिस्टेंस,
अब इसमें क्या होगा, इस तरह से ग्रूव बन रही होगी, ठीक है। तो ये यही वाला डिस्टेंस पूछता है, जो हाइट ऑफ ग्रूव पूछता है, बात एक ही है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आए, अब हम डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। कंसेप्ट मुझे ऐसा लगता है कि ऑप्टिकल फ्लैट्स को अब आप अच्छे से कर लेंगे, लेक्चर 8 देखा और लेक्चर 9 का आपने स्टार्टिंग देख लिया, अब आपको कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हर एक क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में क्या है, देखो टू इसने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन मैंने देखा है कहीं, एग्जैक्ट इसका एक्यूरेट सॉल्यूशन मुझे तो कहीं मिला नहीं, ठीक है। कंफ्यूजन बहुत होती है जब कहीं किसी अच्छी खासी बुक में सॉल्यूशन गलत मिलेगा तो कंफ्यूजन हो जाती है। चलो देखो क्वेश्चन में क्या था, टू स्लिप गेजेस ऑफ 10 mm विड्थ मेजरिंग 1 mm एंड 1.002 mm, टू स्लिप गेजेस हैं दोनों, 10 10 mm की विड्थ है उनकी, और कितनी लेंथ मेजर कर रहा है, एक 1 mm एक 1.02 mm, ओके। आर केप्ट साइड बाय साइड इन कॉन्टेक्ट विद ईच अदर लेंथ वाइज इनको जोड़ा गया है, कैसे लेंथ वाइज जोड़ा गया है इनको, ठीक है। इसने क्या कहा, एक ऑप्टिकल फ्लैट इज केप्ट रेस्टिंग ऑन द स्लिप गेजेस। अब स्लिप गेजेस का हमें कुछ चेक करना होगा कि उसमें स्ट्रेटनेस उसकी, तो ऑप्टिकल फ्लैट उसके ऊपर रख देते हैं एज शोन इन द फिगर, फिगर भी दी है एक, ठीक है, वो मैं बना दूंगा। लैम्डा की वैल्यू जो मोनोक्रोमेटिक लाइट पड़ रही है वो भी दी है इसमें, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या है, इस तरह से फिगर दी है बस, और कुछ नहीं दिया है इसने, लैम्डा वगैरह की वैल्यू दी है। अब देखो क्वेश्चन को करने से पहले थोड़ा सा आप आइडिया लें, ये मैंने इसका मास्टर गेजेस के साथ आपको इसका कंसेप्ट बताया था। इसने क्या पूछा, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्ट्रेस ऑब्जर्व इन बोथ स्लिप गेजेस, दोनों स्लिप गेज के लिए इसने पूछा है, दोनों स्लिप गेज के लिए। तो देखो समझने का क्या है इसमें कंसेप्ट, दो स्लिप गेजेस हैं, इसकी हाइट वाइज कितना है, एक तो वो 1 mm नाप रहा है, ठीक है, दोनों को एक साथ चिपका के रख दिया जैसे को फिगर में दिया हुआ भी है, ठीक है। अब इसके ऊपर जैसे आपको पता ही है, ये मैंने आपको कंसेप्ट बताया हुआ भी है, इसके ऊपर हम ऑप्टिकल फ्लैट रख देते हैं, ठीक है, और उसको हम फ्रंट से देख रहे हैं, फ्रंट व्यू है ये, क्या है फ्रंट व्यू है, तो ठीक है ध्यान से समझना, कंसेप्ट बहुत ट्रिकी सा है इसमें। अच्छा हमें दोनों स्लिप गेजेस के लिए इसने पूछ लिया है, तो कुछ ना कुछ पाथ जब हम यहां पर लाइट डालेंगे इसको, ठीक है, कुछ ना कुछ तो डिफरेंस यहां पर आएगा और कुछ इस पे आएगा, तो मैं इसको क्या करता हूं, जूम करता हूं उस फिगर को, ठीक है। जूम करने से क्या होगा, ठीक है, ये ऑप्टिकल फ्लैट रख दिया आपने, ये एंगल थीटा होगा तो ये एंगल भी थीटा होगा, ठीक है, ये डिस्टेंस बी दिया है, ये भी बी दिया है, मेन तो यहां पर पाथ डिफरेंस का कंसेप्ट आएगा, देखना। अच्छा इसमें चेंज इन हाइट कितनी होगी, ये हाइट कितनी नाप रहा है, ये हाइट कितनी है, H1 की वैल्यू कितनी है, H1 की वैल्यू 1 mm है, और H2 की वैल्यू कितनी है, 1.002 mm है, ठीक है, H2 की वैल्यू कितनी है, 1.002 mm है, तो इसके लिए कितना होगा, यहां पर एक लाइट पड़ के इंटरफेरेंस का फिनोमिना होगा इस जगह पे, और एक लाइट यहां पर सेम लाइट पड़ रही कि कुछ इंटरफेरेंस का फिनोमिना भी यहां पर होगा, ठीक है। अब देखो करना क्या है, कंसेप्ट क्या है इसमें, मेरा वो तरीका बताऊंगा। ये जो इसने हम निकालेंगे, इसके लिए निकालेंगे, इसमें पाथ डिफरेंस क्या होगा, देखो इसको समझो जरा, पाथ डिफरेंस क्या होता है, जैसे इसमें लाइट पड़ती है कुछ लाइट इसमें जाएगी, ठीक है, और ये इस सरफेस पे रखा गया है, इस सरफेस पे रख रखा है, कैसे, खाली मैं इसकी बात कर रहा हूं अभी, चीज समझना इसको, ये है और
ऐसे फ्लैट ऐसे रखी हुई है, क्लियर, ऐसे ये फ्लैट रखी है, ये एंगल थीटा है। जब हम इसमें लाइट डालेंगे तो कुछ लाइट तो इधर से ही चली जाएगी और कुछ इसके अंदर पड़ के जाएगी। तो ये देखो, ये जो डिस्टेंस है वो यही तो डिस्टेंस, क्योंकि एंगल बहुत छोटा है, तो ये मत कहना कि यार थोड़ा सा इधर हो गया, ये बराबर ही है। तो ये जो होगा, ये पाथ डिफरेंस होगा, ये कितना होगा, पाथ, सिर्फ हम इसकी बात कर रहे हैं अभी सेकेंड वाले की, और ये पहला है। सेम ही कंसेप्ट इसमें होगा क्योंकि विड्थ दोनों की सेम है, बी, ठीक है, 10 mm दी है, क्लियर, और ये लैम्डा की वैल्यू दी है। पाथ डिफरेंस क्या होगा, ये वाला, समझ आई चीज, क्यों होगा ये पाथ डिफरेंस, सिर्फ ज्योमेट्री से मैंने आपको इसमें समझा दिया, अलग अलग बुक्स में अलग सॉल्यूशन है, ठीक है। किसी ने ये, पता नहीं, किसी किसी बुक ने तो इसको डेल्टा एच ले लिया, क्योंकि फिर उसने पता क्या मान लिया, इस पूरी दोनों बॉडी को एक मान लिया, इसको और इसको, फिर पाथ डिफरेंस ये हो जाएगा। लेकिन आप उसको मत समझो, मेरी बात समझो, ठीक है। तो ये जो होगा डेल्टा एच होगा, वो कितना है, 0.002 है, क्यों, ये कितना होगा डेल्टा एच, क्योंकि एक गलती, ये डेल्टा एच नहीं होगा, ये थोड़ा डेल्टा एच होगा। डेल्टा एच क्या होगा, ये हाइट है पूरी 1.002 और ये है एक, तो ये जो हाइट है ये वाली, ये होगी 1.002, ये वाली हाइट है जीरो, ये है डेल्टा एच। अभी ये जो डेल्टा एच हमें, ये थोड़ा डेल्टा एच है, ठीक है, ये लेकिन हमें पता है पाथ डिफरेंस है, ये क्या है, पाथ डिफरेंस है, ये तो चीज क्लियर होगी। और डेल्टा एच समझ में आ गया, ये है क्यों, ये पूरा 1.002 है और ये 1 है, तो ये वाली हाइट हमें पता लग गई है, दिख भी रहा होगा आपको। देखो अब मैं क्या करता हूं, पाथ डिफरेंस मुझे पता लग गया वो, और कितना होता है पाथ डिफरेंस अकॉर्डिंग टू ऑप्टिकल फ्लैट्स, मैंने आपको बताया था कितना होता है, एन लैम्डा बाय 2। मान लेते हैं इस वाले कितनी बन रही है, एन लैम्डा बाय 2, ठीक है, ये तो डेल्टा एच आ गया, एन लैम्डा बाय 2 इस ट्रेंगल में और इस ट्रेंगल में देखते हैं, ठीक है, तो एन लैम्डा बाय 2, ये तो ये आ गया डिस्टेंस, और डिवाइडेड बाय बी, ये ट्रेंगल हो गया, इक्वल्स टू 0.002 डिवाइडेड बाय बी, ओके, हमें लैम्डा की वैल्यू भी दी है एमएम में, एमएम में दी है, तो यहां से एन की वैल्यू 6.23 कुछ आएगी वैल्यू सॉल्व करके, ठीक है, 6.57 कुछ आएगी ऐसी वैल्यू सॉल्व करेगी, क्योंकि हमें लैम्डा बी से बी कैंसिल हो जाएगा, लैम्डा की वैल्यू दी है, तो यहां से हम एन ये वाला निकाल देंगे। तो ये जो एन आया हमारा, वो किससे आया, हमने कौन सा एन निकाला, इसके लिए निकाला, ठीक है, इसके पाथ डिफरेंस का हेल्प लेके करा। अगर हमें दोनों स्लिप गेजेस के बारे में पूछा है तो ये भी सेम ही कंसेप्ट लगेगा इसमें, इसमें भी लैम्डा की ही मोनोक्रोमेटिक लाइट जो, उसका भी लैम्डा की वैल्यू कितनी है, गिवन है, सेम रहेगी, इसके लिए भी बी है और सेम कंसेप्ट है इसमें, इसके लिए पाथ डिफरेंस भी हमें पता है, ठीक है। तो ये था इसमें कंसेप्ट, ठीक है, इसको मैं डायरेक्ट भी बता सकते हैं कि देखो ये वाली लेंथ मुझे पता लग गई है, ये वाली लेंथ, और यही क्या एक तरह से इस वाले के लिए, इस वाले के लिए पाथ डिफरेंस है, इस वाले के लिए, छोटे वाले के लिए, देखिए कैसे, छोटे वाला बॉक्स है ये ऐसे रखा, छोटे वाले को देखिए, बड़े वाले को भूल जाइए, ठीक है, तो ये ऐसे पढ़ के ऐसे करके ऐसे जा रहा है, तो ये जो लेंथ है, ये जो लेंथ है, ये कितनी होती है, एन लैम्डा बाय 2 होती है, हमें पता है पाथ डिफरेंस, ठीक है, ये मैं प्रूव करा चुका हूँ, ये एन लैम्डा बाय 2 होती है, ठीक है, और ये प्लस ये एन लैम्डा होती है, ये सब चीज मैं बता चुका हूँ, ठीक है। तो ये था कंसेप्ट इसमें, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, हमने अच्छे से ट्राई करा, और वो दोनों के लिए क्या हो जाएगा, दोनों का ऐड हो जाएगा, या मल्टीप्लाई बाय 2 कर देना आप। ये क्या कहा क्वेश्चन ने, हाँ, ऑब्जर्वेशन ऑफ अ स्लिप गेज ऑन अ फ्लैटनेस इंटरफेरोमीटर प्रोड्यूसेस फ्रिंजेस काउंट्स नंबर काउंटिंग नंबरिंग काउंट्स नंबरिंग है ये,
काउंट्स नंबरिंग 10 and 14 फॉर टू रीडिंग्स. अच्छा, दो दो रीडिंग देता है. एक तो एन की वैल्यू 10 आती है, एक एन की वैल्यू 14 आती है. द सेकेंड रीडिंग कब होती है? जब आपने उस सेटअप को 180 डिग्री घुमा दिया. बहुत बढ़िया. आपने 180 डिग्री घुमाने से क्या होगा, तो जहां ब्राइट बन रही थी वहां डार्क बनेगी फ्रिंज. ठीक है, ये चीज इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा. लैम्डा की वैल्यू हमें दे दी है. पैरेललिज्म एरर इसने पूछा है. देखो मैं आपको बताऊंगा इसका कंसेप्ट, पैरेललिज्म एरर होता क्या है, कहां से आया ये कंसेप्ट. जैसे मैंने आपको बताया था, इसमें जो फ्रिंजेस बनेंगी कर्व्ड बनेंगी, जब भी उसके बीच में गैप रहेगा ऐसे कर्व्ड बनेंगी. लेकिन जैसे मैंने आपको बताया था कि होनी कैसे चाहिए, स्ट्रेट चाहिए, बिल्कुल इक्वली स्पेस चाहिए, अगर उसके बीच में कुछ गैप ना हो. अगर ये ऐसे आ रही है तो क्या करें, इसका एरर कितना होगा वो मैं बताऊंगा. पिछले लेक्चर में मैंने इसका फॉर्मूला भी आपको बता दिया. तो क्या करें, इसके दोनों एंड्स हैं, ठीक है, ये है, इसको जोड़ दें और इसको जोड़ दें. ठीक है, तो इसमें कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, इसमें कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी. ये क्या होती है, एरर होता है. ये क्या होता है, एरर होता है. ये क्या है, एक तरह से चेंज. और ये किसकी वजह से आ रहा है, ड्यू टू चेंज इन गैप. अभी चेंज इन गैप के लिए मैंने आपको बताया था कितना था, लैम्डा बाय 4 था. कितना था, लैम्डा बाय 4 विड्थ बताई थी ना अभी. और जब मान लेते हैं, अब लैम्डा बाय 4 का कंसेप्ट आपको याद रखना है. अब सबसे पहले जब 10 फ्रिंजिस थी तब गैप टोटल जो था वो कितना हो जाएगा, N1 लैम्डा बाय 4 हो जाएगा. क्लियर. जब दूसरी बार जब वो 180 डिग्री आपने इसको घुमा दिया, ठीक है, तो दूसरी बार कितना होगा, N2 लैम्डा बाय 4. क्लियर है. पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था इसका जो एरर का फॉर्मूला है वो क्या होता है, N2 माइनस N1 लैम्डा बाय 4, पैरेललिज्म एरर. ये आपके लिए होमवर्क है, कमेंट में मेरे को बताना ये आया कैसे. ये सब चीज मैं बता चुका हूं, ठीक है, मेरे को बताना कि N2 माइनस N1 लैम्डा बाय 4 कैसे हुआ. ठीक है, बता मैं सब चीज चुका हूं पहले लेक्चर में भी, इसमें भी मैंने कुछ आइडिया आपको बताया था, बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, तो N2 की वैल्यू भी पता है, N1 की वैल्यू भी हमें पता है, ठीक है, और लैम्डा की वैल्यू भी पता है बाय 4. तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, 2 मार्क्स में आया ये. ये PI ब्रांच में आया तो देर कुछ भी नहीं हो सकती, ये इस बार गेट में आ जाए इस टाइप का कंसेप्ट. इसीलिए मैं इस पर्टिकुलर टॉपिक पे बहुत ध्यान दे रहा हूं. ओके, अभी ये देखो सेम कंसेप्ट. इन अ इंटरफेरेंस माइक्रोस्कोप अ ग्रूव प्रोड्यूसेस अ बैंड डिस्टोर्शन ऑफ 4 बैंड स्पेसिंग. इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि N=4 है, नंबर ऑफ फ्रिंजेस कितने हैं, 4 है. वेवलेंथ की वैल्यू भी दी है हमें. इसने ग्रूव डेप्थ पूछी है. ग्रूव डेप्थ का मतलब होता है चेंज इन विड्थ. इसको आप डायरेक्ट याद रखें, जो चेंज इन विड्थ होती है, ठीक है, वो होता है हमारा सेम कंसेप्ट है ग्रूव डेप्थ का. ठीक है, अभी मैंने जस्ट आपको बताया था लैम्डा बाय 4 एक के लिए, जब एक स्पेसिंग हो, और जब 4 स्पेसिंग हो तो कितना फॉर्मूला हो जाएगा इसका, एन लैम्डा बाय 4. ग्रूव डेप्थ का फॉर्मूला एन लैम्डा बाय 4. ये सब आप डायरेक्ट याद तो कर ही सकते हैं, लेकिन कंसेप्ट ये है. लैम्डा बाय 4 का कंसेप्ट मैं आपको बता चुका हूं, एन से मल्टीप्लाई कर दें क्योंकि एन इसके नंबर ऑफ फ्रिंजिस है. तो वो टोटल बन के क्या बन जाएगी, वो पूरी ग्रूव डेप्थ बन जाएगी. ठीक है, तो ग्रूव डेप्थ को आइडिया मैं दे देता हूं आपको. मान लेते हैं ये दो सरफेस के बीच में, यहां से यहां तक कुछ ना कुछ. अब जब आप ये सरफेस को आप नाप रहे हैं, इसके ऊपर आपने ऑप्टिकल फ्लैट ली, तो कुछ ना कुछ गैप आ रहा है ब्राइट डार्क ब्राइट के बीच में.
ठीक है, ये ब्राइट है, ये डार्क है, ये, तो इसमें नंबर ऑफ फ्रिंजेस कितनी बन रही हैं? चार बन रही हैं, ठीक है, तो 1 2 3 इस तरह से चार बनेगी, तो ये लैम्डा बाय फोर इसके लिए भी आएगा कुछ, इसके लिए भी लैम्डा बाय फोर जुड़ेगा, ब्राइट और डार्क इसके लिए भी लैम्डा बाय फोर, समझ आ गया? तो टोटल कितना हो जाएगा, एन लैम्डा बाय फोर हो जाएगा, क्लियर? तो इसीलिए ग्रूव डेप्थ का फॉर्मूला, टोटल जो इसमें चेंज इन विड्थ आई है वो कितना हो जाएगा, एन लैम्डा बाय फोर, एन की वैल्यू 4 है, लैम्डा की वैल्यू 0.5 दी है, डिवाइडेड बाय 4, ठीक है, तो ये कंसेप्ट था इसमें, ओके, तो ये आ गया हमारा ग्रूव डेप्थ, ठीक है, 0.5 में, ओके, तो इस टाइप के क्वेश्चन आए हैं, टेस्ट सीरीज में भी ऐसे क्वेश्चन दिए हैं। अब मुझे ऐसा लगता है कि इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आएगा आप कर लेंगे, जैसे कि ये क्वेश्चन था इस टाइप का, तो अब आप कोई भी क्वेश्चन कर लेंगे, और ज्यादातर यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस है, आप डायरेक्ट इसको याद भी रख सकते हैं, ठीक है, ग्रूव डेप्थ का फॉर्मूला, पैरेललिज्म का, एरर का फॉर्मूला, आप डायरेक्ट याद रखें उसको, ठीक है, कंसेप्ट मैंने आपको बता दिया कहाँ से आया है वो, ठीक है, अलग अलग बुक में अलग अलग तरीके से बताया गया है, आप ये लेक्चर देखें और बस अपने क्वेश्चन सॉल्व करें, टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन, और इस टाइप का मैंने पिछले लेक्चर में आपको एप्लीकेशन विद मास्टर गेज, ये इसी कंसेप्ट से आया था, ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन भी आ सकता है जब दो ब्लॉक आपस में दूरी में हो, ठीक है, इस कंसेप्ट पे भी क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, तो हमने यहाँ से इंटरफेरोमेट्री, ऑप्टिकल फ्लैट्स की थ्योरी विद न्यूमेरिकल कंप्लीट कर दिया, लेक्चर 9 था ये, अगले लेक्चर में हमने और थ्योरी पढ़नी है इसमें, और मेजरिंग डिवाइसेस पढ़ने हैं, और कैसे कैसे न्यूमेरिकल्स आ रहे हैं, सबसे पहले हम एरर्स को भी पढ़ेंगे अगले लेक्चर में, एरर्स पे जो जो थ्योरी है और जो न्यूमेरिकल्स है हम सब कवर अप करेंगे, ओके, 10 और 11 लेक्चर में इसी पे ही बनाऊंगा, थ्योरी और न्यूमेरिकल्स, एरर्स हो गए, और स्क्रू थ्रेड जो टर्मिनोलॉजीज हैं उसमें मेट्रोलॉजी का यूज, स्क्रू थ्रेड का कैसे मेजरमेंट होता है, उसके बाद हम उनको शुरू करेंगे, ठीक है, तो लेक्चर सुनने के लिए धन्यवाद।